Good morning everyone. We are going to learn projections of planes. From next videos we are starting the problems on projections of planes. हम अपने अगले वीडियो से अपने projections of planes के problems शुरू करने वाले हैं जो आपको पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसके पहले मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा, जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, सपोज हम पकड़ते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो आपको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द HP और रेक्टेंगुलर प्लेन रेस्टिंग ऑन द कॉर्नर ऑन द HP, ठीक है। एंड द प्लेन इज इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, ठीक है। या फिर बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द VP, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द VP और कॉर्नर ऑन द VP एंड द प्लेन इज इंक्लाइन टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अगर आपको बोलते हैं प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP और प्लेन इंक्लाइन टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, दोनों केसेस में आपको ये जो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू VP, आपको इस पे ध्यान देना नहीं है, आपको उसको पढ़ना भी नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है प्लेन इंक्लाइन टू HP, ये पढ़ना है, ठीक है। सेम हियर, आपको ये जो लिखा है परपेंडिकुलर टू HP, आपको ये पढ़ना ही नहीं है, उसको भूल जाने का है। आपको सिर्फ पढ़ना क्या है प्लेन इंक्लाइन टू VP, ठीक है। तो आपको सिर्फ कंसीडर करना है प्लेन मेरा इंक्लाइन HP को है या इंक्लाइन VP को है, ठीक है। तो पहले आपको ये पता करना है कि आपका प्लेन कहाँ पे इंक्लाइन है, HP पे है या VP पे, ओके। तो आपके प्रॉब्लम में हमेशा देंगे प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड रेस्टिंग ऑन द साइड और द कॉर्नर, ठीक है, और प्लेन इंक्लाइन टू VP एंड रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द कॉर्नर, ठीक है। तो मेरा प्लेन इंक्लाइन टू HP का है या इंक्लाइन टू VP का है, पहले मुझे वो पता करना है, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरा प्लेन इंक्लाइन टू HP है, ठीक है, आपने पता कर लिया है प्लेन इंक्लाइन टू HP है या फिर इंक्लाइन टू VP है, ठीक है। तो मैंने पता कर लिया है मेरा प्लेन इंक्लाइन टू HP है और इंक्लाइन टू VP, ठीक है। आपको पता करना है रेस्टिंग कहां पे, कॉर्नर पे या साइड पे, रेस्टिंग कहां पे, रेस्टिंग कहां है, कॉर्नर या साइड है, रेस्टिंग कहां है, कॉर्नर या साइड है, ठीक है। आपने दो चीज पता कर ली है कि मेरा प्लेन किसको इंक्लाइन है, मेरा प्लेन रेस्टिंग कहां पे, साइड पे है या कॉर्नर पे, इतना क्लियर, ठीक है। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको आपके प्रॉब्लम में ये क्लियरली नहीं बताया है कि मेरा प्लेन कहां पे रेस्ट है, कॉर्नर पे है या साइड पे है, ठीक है, अगर आपको आपके प्रॉब्लम में ये क्लियर बताया नहीं है कि आपका प्लेन कहां पे रेस्ट है, कॉर्नर पे है या साइड पे है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप सबसे बेस्ट चीज ये है, आप अपने प्लेन को साइड पे रेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उस वक्त आप अपने प्लेन को बिना किसी से पूछे, बिना दिमाग में कुछ लाए, अपने प्लेन को साइड पे रेस्ट कर दीजिए। फिर वो रेक्टेंगल रहे, पेंटागन रहे, स्क्वायर रहे, हेक्सागन रहे, बाकी कोई भी प्लेन रहे, आपको आपके प्लेन को साइड पे रेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपको उसका आगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको सिर्फ आपका प्लेन रेस्ट करना है साइड के ऊपर और आपको आगे आपका सम सॉल्व करना है, इतना क्लियर, ठीक है। तो अभी हमने पता कर लिया है कि मेरा प्लेन इंक्लाइन टू HP है या VP, ठीक है। अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें रूल ये है, सपोज मेरा एक प्लेन है जो कि दिया हुआ है इंक्लाइन टू HP दिया हुआ है, दिख रहा है आपको इंक्लाइन टू HP, मगर हम प्लेन को ऐसा रख के उसके व्यूज ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको ऐसा रख के उसके व्यूज ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके रूल क्या है, हमारा स्टेज वन ये होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि मेरा प्लेन
जो मेरा प्लेन है मे बी रेस्टिंग ऑन द साइड पे है या कॉर्नर पे है, उसको हम सुलाते हैं उस वाले प्लेन के ऊपर। तो मैं मेरे प्लेन को एचपी पे रेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं कि प्लेन इंक्लाइन टू एचपी, तो हमें पहले कंसिडर करना है मेरा स्टेज वन, मेरा स्टेज वन है कि मेरा प्लेन एचपी पे रेस्ट पे है। फिर हमको उसके दो व्यूज ड्रॉ करना है जो हमने अपने सारे पिछले वीडियो में किया हुआ है, हमने उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया है, ये मेरा स्टेज वन है। तो अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम दिया इंक्लाइन टू एचपी, तो आपको आपका प्लेन रखना है एचपी के ऊपर, आपको उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करके आपका स्टेज वन खत्म करना है। फिर स्टेज टू क्या होता है वो आपको मैं प्रॉब्लम मिलूंगा डायरेक्टली कि कैसे उसको स्टेज टू में ट्रांसफर करने का है, ठीक है। सेम अगर आपको बोला है कि मेरा प्लेन इंक्लाइन टू वीपी है, ठीक है, आपने पहले पता कर लिया है सब में कि मेरा प्लेन इंक्लाइन टू वीपी है, जो कि मेरा ऐसा रहेगा, आपको दिखेगा ऊपर से तो मेरा प्लेन वीपी को इंक्लाइन है, मगर हमको इसके व्यूज ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम पहले कंसिडर क्या करते हैं कि मेरा प्लेन रेस्टिंग ऑन द वीपी पे, हमने उसको रखा है वीपी के ऊपर और मैंने उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया स्टेज वन, हमने स्टेज वन ड्रॉ कर दिया है कंसिडरिंग कि मेरा जो प्लेन था वो प्लेन वीपी में रेस्ट है, ठीक है। फिर मैंने दो व्यूज ड्रॉ कर दिए, फिर मैं स्टेज टू में उस प्लेन को टिल्ट करूंगा एंगल के ऊपर, ठीक है। वो कैसे होता है हम डायरेक्टली सम में लेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो केस होती है, मेरा प्लेन इंक्लाइन टू एचपी में है और मेरा प्लेन इंक्लाइन टू वीपी पे है। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई आपको आपका प्लेन क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन टू एचपी दिया हुआ है, इंक्लाइन टू वीपी दिया हुआ है। देन यू आइडेंटिफाई कि आपका प्लेन रेस्टिंग ऑन द साइड पे है या कॉर्नर पे, ठीक है। बाद में आपको करना है स्टेज वन, तो आपको करना क्या है, आपको उसको फुल्ली रेस्ट करना है एचपी के ऊपर, आपको उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करके उसका स्टेज वन खत्म करना है। सेम अगर आपका प्लेन इंक्लाइन टू वीपी है, तो आपको पहले उसको वीपी पे रेस्ट करना है, आपको उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है, फिर आपको उसका स्टेज वन खत्म कर देना है, फिर आपको स्टेज टू में उसको इंक्लाइन करना है। इतना क्लियर? और इंक्लाइन कैसे करते हैं वो मैं लूंगा डायरेक्टली सम में कि आपको कैसे उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सम होते हैं, एग्जाम में आपको इसके दो प्रॉब्लम्स पूछेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के आपको दो प्रॉब्लम पूछेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे सारे वीडियोस पहले के देखे होंगे, आपने उसकी प्रैक्टिस की होंगी। आज का वीडियो आपको बेसिक आइडिया था, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।